आदाब क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट में अतलाई नजेंगे टॉपिक्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ये पर आपके पास दिया इन्हें गिवन फिगर या आपके पास शक्ल है इन्हें गिवन फिगर ए बी पर सी डी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड एक्स एंड वाई। आपके पास दिया है कि यहाँ पर जो है एंगल इट इज़ गिवन दैट ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी, ठीक है, और एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 के बराबर है, एंगल पी आर डी जो है 127 के बराबर है, ठीक है। आप देखो एंगल ए पी क्यू, ये एंगल मेरी पेन की तरफ देखो, एंगल ए पी क्यू यानी ये एंगल जो है ये 50 है, एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी क्यू पी आर टी यानी ये एंगल जो 127 है। तो आपको यही बताना है कि ये बताना है पी टी पी आर टी डी है, ये सी है, ठीक है, सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे एक्स, उसमें बहुत तरीके हैं। अगर आप देखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, तो ये ए बी पैरेलल सी डी है। अगर आप शक्ल देखिए क्यू पी इज़ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। इट इम्प्लाइज अगर क्यू पी ट्रांसवर्सल, जब दो लाइनें पार ले और बीच में जो ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो हम ये कहेंगे एंगल ए पी क्यू जो है वो बराबर होगा एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इट इम्प्लाइज एंगल ए पी क्यू कितने डिग्री का है, 50 डिग्री, इज इक्वल टू एक्स यानी एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। मगर रीज़न क्या है, ये क्यों बराबर है, बिकॉज दे आर शाबाश अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये आया आपको। इसी तरह आपको अगर आप यहाँ पर देखेंगे एंगल एक्स निकाला हमने, अब हमें एंगल एक्स निकल गए, अब हमें क्या निकालना है, एंगल वाई। इसी तरह अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये एंगल एक्स और एंगल वाई, ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल जो ये वाई है वो किस तरह निकलेगा, ठीक है, एंगल वाई किस तरह निकलेगा, एंगल वाई जो होगा ये देखो, एंगल वाई जहाँ पर है ये एंगल वाई है, एंगल वाई अगर एक्स निकला, अगर हम इसको और इसको करेंगे, ये ट्रांसवर्सल है लेकिन वाई के साथ 50 ऐड करना है, ठीक है ना। आल्सो शाबाश आल्सो एंगल ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब यहाँ हमें किसका वैल्यू निकल, ए बी किसके बराबर है, 50 के प्लस वाई इज इक्वल टू 127, वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50, सो गो वाई इज इक्वल टू ये गो 7 × 5 = 7, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 77, तो एक्स भी निकल गया तो वाई भी निकल गया। ओके, थैंक यू।